गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में क्या पढ़ेंगे, लूसेंट। ठीक है, पावर पॉइंट स्टडी में क्या लूसेंट की क्लास पढ़ेंगे। ये लूसेंट का भाग कौन सा है? 14 भाग है। अब आपको 2 दिन में क्लास मिलेगी, भाग 14। ठीक है, कौन सी क्लास है? लूसेंट। लूसेंट। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। पावर पॉइंट स्टडी, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे भाग 14। और आपको 2 दिन में एक वीडियो मिलेगी, वो भी 15 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो मिलेगी। ठीक है, लूसेंट का भाग 14 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के हीन, और क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के किस किस के बारे में? हीन और महायान। हीन, हीन यान और महायान। हीन और महायान में क्या पढ़ेंगे? दोनों में अंतर पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो भी रह गया इसमें अब वो पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म का ये चल रहा है लास्ट। इसके बाद टॉपिकों में आपको आएगा मज़ा। ठीक है, इसमें जो जो टॉपिक रह गए वो पूरे कराए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हीन संप्रदाय और महायान संप्रदाय, ये किसके? बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, कौन? हीन संप्रदाय, संप्रदाय, और कौन से? महायान संप्रदाय। ठीक है, ये क्या थे? बौद्ध धर्म के बारे में थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में थे। ठीक है, कौन? हीन और महायान संप्रदाय। ठीक है, किसके? बौद्ध धर्म के बारे में थे। ठीक है, क्या था इनमें? इनमें हीन धर्म में जो लोग, हीन धर्म मतलब दो धर्मों, दो तरीके, एक तरीके से दो संप्रदाय में ये बट गया था। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हीनयान में महात्मा बुद्ध द्वारा, किसके? महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था। स्थापित मूल धर्म, ठीक है, स्थापित मूल धर्म था। ठीक है, और महायान में यह संशोधित रूप से क्या हुआ था? यह संशोधित रूप से चलाया गया धर्म था। ठीक है, किसका? संशोधन रूप, संशोधन रूप, संशोधन रूप। ठीक है, हीन धर्म में, ठीक है, ये महात्मा बुद्ध को क्या मानते हैं? महापुरुष, महापुरुष के रूप में मानते हैं। ठीक है, और यह महात्मा बुद्ध की किसकी? देवतुल्य, देव तुल्य उपासक, ये देवतुल उपासना करते हैं। ठीक है, किसकी? महात्मा बुद्ध की ये देवतुल उपासना करते हैं, या महात्मा बुद्ध को क्या मानते हैं? एक तरीके से महापुरुष मानते हैं ये। ठीक है, ये बौद्धस्तत्व में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, ये बौद्धस्तत्व में क्या नहीं रखते? विश्वास नहीं रखते। ठीक है, ये विश्वास रखते हैं। ठीक है, किस में रखते हैं? बौद्धस्तत्व। ठीक है, चौथा क्या है? ये क्या है? इनका धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, इनका धार्मिक ग्रंथ,
पाली भाषा में, ठीक है, पाली भाषा में इनका धार्मिक ग्रंथ किस में? संस्कृत में, संस्कृत भाषा में, ठीक है। पांचवा कौन सा है? ये सन्यासी, ये सन्यासी जीवन पर बल देता है कि मतलब आपको सन्यासी बनना पड़ेगा, ठीक है। और ये गृहस्थ, गृहस्थ जीवन पर, ठीक है। नंबर छठवा, ये मूर्ति की पूजा पर विश्वास नहीं रखते, मूर्ति की पूजा नहीं करते, मतलब विश्वास का करते ही नहीं है। छठवा, ये मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है। सातवा, ये प्रधान, प्रधानता क्या है? दार्शनिक, ठीक है। इनकी शुद्धता धार्मिक है, क्या है इनकी शुद्धता? धार्मिक संप्रदाय, ठीक है। यह हीन संप्रदाय और महायान संप्रदाय में क्या है? दोनों में एक तरीके से अंतर है, ठीक है। इन दोनों के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसमें बताया गया हीन में महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म है, और महान यान क्या है? संप्रदाय द्वारा संशोधित रूप से। महात्मा बुद्ध इस हीन धर्म में, हीन संप्रदाय में क्या, महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, उसमें देवतुल्य उपासना मानते हैं, इसमें बौद्ध तत्व में विश्वास नहीं रखते हैं, उसमें भक्ति हैं, ठीक है। इसके बाद धार्मिक ग्रंथ है वो पाली भाषा में है, जो इनकी मूल भाषा एक तरीके से, उसमें संस्कृत में है, ठीक है। इसमें ये सन्यासी जीवन पर देते हैं, उसमें गृहस्थ जीवन पर विश्वास रखते हैं, इसमें मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, उसमें मूर्ति की पूजा करी जाती है, इसमें प्रधानता दार्शनिक है, उसमें शुद्धता धर्म संप्रदाय, मतलब एक तरीके से धर्म के लिए ये है, उसमें दार्शनिक है, मतलब हम आपको दिखाएंगे रास्ता, ठीक है। हम ये कहेंगे नहीं कि आप चलो, उसमें कहेंगे आप हमारे धर्म में शामिल हो, ठीक है। इस चीज़ को लेके बताया गया है, ठीक है। ठीक है, ये बता दिया गया है, ठीक है। हीन और संप्रदाय धर्म के बारे में, सीम और संप्रदाय में, हीनयान और महायान में अंतर बता दिया गया है, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, बौद्ध धर्म की संगीतियों के उद्देश्य, ठीक है, बौद्ध धर्म की संगीतियों के उद्देश्य, ठीक है। ठीक है, इन चार संगीतियां की थी, ठीक है। बौद्ध धर्म में क्या हुआ, चार संगीतियों के उद्देश्यों के बारे में बताया गया था, ठीक है, बौद्ध धर्म के उपदेशों को, ठीक है। इसमें प्रथम संघ है बौद्ध धर्म के, बुद्ध के उद्देश्यों को, सॉरी, बुद्ध के उपदेशों को दो पटकों में, ठीक है, दो पटकों में क्या किया, दो पटकों में विभाजित किया, कौन सा? बेनाम और सूट में संकल्पित किया,
संकलित किया, मतलब एक तरीके से दो उसमें विभाजित करती है। द्वितीय संगीति का उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन को लेकर मतभेद, अनुशासन को लेकर मतभेद, अनुशासन को लेके मतभेद के कारण बुद्ध ने, कारण बुद्ध ने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, धर्म स्थिवरी एवं महा संघक में बांटा गया, ठीक है। बुद्ध ने क्या किया, दो उसमें बांट दिया, बौद्ध धर्म को स्थवरीय और महासंघितिक में बांट दिया। तृतीय में, तीसरा में तीसरा पिटक अधि धम्मा जोड़ा गया, ठीक है। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा, दो भागों में या दो संप्रदाय में, ठीक है, या दो संप्रदाय में, किसमें, दो संप्रदाय में, दो संप्रदाय में बांटा गया, ठीक है। ये दो संप्रदाय कौन कौन से थे? हीनयान, दूसरा महायान, ठीक है। चौथी संगीति में ये हुआ था, इन दो संप्रदाय में बांटा गया, ठीक है, बौद्ध धर्म के संगीतियों के उद्देश्य, ठीक है। प्रथम उद्देश्य था बौद्ध धर्म के उपदेशों को दो पटकों में बांटना, ठीक है, विनिमय और सूटक के संकल्पों में बांटा था, ठीक है। और द्वितीय क्या था, बौद्ध धर्म के उपदेशों को दो पटकों में विनिमय सूट में संकलित करना, ठीक है, ये था बौद्ध धर्म का उद्देश्य, ठीक है। प्रथम उसका था संगीति का उद्देश्य था, द्वितीय संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद हुआ था इनके बीच उत्पन्न, ठीक है, क्या हुआ था, अनुशासन को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ था, जिसको लेकर इन्होंने बौद्ध धर्म ने सेवर और क्या बोलते महासंघक में बांट दिया, ठीक है, बौद्ध धर्म को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तृतीय में तृतीय पाठक अधिधामक जोड़ा गया, किसके, बौद्ध धर्म, बुद्ध द्वारा तृतीय में अधिपाठक या अधिधामक जोड़ा गया, ठीक है। चतुर्थ संगीति में क्या हुआ, चतुर्थ संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया, ठीक है, हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बांटा गया, किसको, बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में बांटा गया। बौद्ध धर्म की संगीति और उनके उद्देश्य खत्म हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म की संगीति और उद्देश्य, ठीक है, निम्न थे, इसमें एक आध दो पॉइंट और हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा ही बहुत रह गया, ठीक है। अब बौद्ध धर्म की संगीतियाँ कहाँ कहाँ और कौन कौन सी जगह हुई, ठीक है, ये भी लिखेंगे, ठीक है, इसी में लिखेंगे बौद्ध धर्म की संगीतियाँ किस किस जगह हुई और कब कब हुई, कौन कौन से सन में हुई और किसके द्वारा हुई, ठीक है, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ कब कब हुई और, ठीक है, यह बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध, संगीति, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसमें डालेंगे यहाँ पे समय, ठीक है, स्थान, ठीक है, अध्यक्ष और शासनकाल, अध्यक्ष और शासन काल, ठीक है, क्या हुआ,
प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? प्रथम बौद्ध संगीति हुई, ठीक है इसको लिखना है, प्रथम बौद्ध संगीति 443 ईस्वी पूर्व, ठीक है 443 ईसा पूर्व हुई राजगृह में, कौन से स्थान पर? राजगृह, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे महा कश्यप, ठीक है। इसके उस समय स्थान का नाम क्या था? अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 383 ईस्वी में, ठीक है। ये कहाँ पे हुई? वैशाली, वैशाली, ठीक है। इसके किसके द्वारा की गई है? सावा कामी, ठीक है। इसके शत्रु को मतलब इसके शासन काल को काला शोक, काला शोक का क्या था इसमें? शासन काल था, ठीक है। तृतीय क्या कब हुई? ये 255 ईसा पूर्व, ठीक है। 255 ईसा पूर्व में कब हुई? पाटलिपुत्र, कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, ठीक है। इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? मुग मुगली पुत्र त्रिस्मा, ठीक है। किसके काल में? अशोक के काल में, ठीक है। ये हुई थी अशोक के काल में, ठीक है। और ये थी ईसवी मतलब तिथि, ये हो गई, ये हुई थी ईसवी की प्रथम शताब्दी, क्या हुई थी? ईसवी की प्रथम शताब्दी में ये हुई थी बौद्ध संगीति। क्या हुई थी? ईसवी की प्रथम शताब्दी में ये बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम शताब्दी हुई थी इसमें कौन थे? कहाँ हुई थी? कुंडवन, कहाँ हुई थी? कुंडलवन, जो कि कहाँ है? कश्मीर में, कहाँ है? कश्मीर में, कहाँ है? कश्मीर में। किसके द्वारा? बासुमित्र, बासुमित्र। और किसके काल में? कनिष्क के, कनिष्क के काल में, ठीक है। इसमें उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। इसमें एक उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए चौथी संगीति में। ये उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है। ये चौथी बात बहुत संगीति, ठीक है। इनके उद्देश्य भी आपको बता दिए गए, समय कब हुआ ये भी बता दिया गया, ठीक है। यह प्रथम बौद्ध संगीति ये हुई राजगृह वगैरह राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली पाटलिपुत्र कुंडमन जो कि कश्मीर में है, ठीक है। ये हुई चारों, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।